कि आप मुझे कम्युनिकेट, मुझे बता तो दे कि मैं आपके बच्चे को अंडर 12 में खिला रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा है कि हमने आपको बताया, कैसे बताया, इन्होंने महमूद नासर को एक ग्रुप में ऐड किया है, महमूद नासर डोंट नो अबाउट दिस टेक्निकल स्टफ, ये जो लिंक्स तो वहां पे कोई लिंक शेयर किया है, बोलता है हमने लिंक शेयर कर दिया तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा। क्या आपने लिंक के साथ मेंशन किया कि इसको जाके चेक करें? दिस इज नॉट द वे। फिर हमें फोन किया गया कि नहीं हम चाहते कि ये पाकिस्तान के लिए अंडर 12 में खेले। मैंने कहा इसकी एज 12 क्रॉस कर चुकी है, टेक्निकली वो अंडर 12 भी खेल सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको आप अंडर 14 में खिलाए। जब टूर्नामेंट के रूल्स अलाउ कर रहे हैं आप उसको क्यों मना कर रहे हैं? डोंट बी द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, आई एम द गार्डियन एंड आई एम गोइंग टू डिसाइड, आई एम द कोच। और गार्डियन की भी सिर्फ बात नहीं है, मैं वालिद की भी बात नहीं मानता, मैं उसका कोच हूं तो मैं उसको जिस कैटेगरी में खिलाना चाहूं, आप क्यों मना कर रहे हैं? कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट यहां से हुई। फिर वो क्या, अभी आगे अगर आपका कोई क्वेश्चन है नहीं तो हम अगले पॉइंट पे चले जाते हैं। अंडर 14 का विनर कौन है हमारे पाकिस्तान में? जी जी, इस वक्त जो क्वालिफिकेशन मगर इसको फोर्स किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल 12 में खेलने के लिए। जब रेहान नासिर 12 में जीत गया तो सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की गई कि ही इज नॉट एक्चुअली अंडर 12, जो कि वो एलिजिबल है एज पर योर डॉक्यूमेंट्स, मगर फिर भी उनको इसके बाद कहा गया कि आप 14 में एज एन एडिशनल प्लेयर जा सकते हैं। एम आई ट्रू, एम आई सही? यस, लेट मी, मैं आपको इस चीज़ को एक हमारे पाकिस्तान के लोग लतीफ़े बहुत पसंद करते हैं, तो मैं इसी बात को एक लतीफ़े के तौर पे आपको बताता हूँ कि एक बच्चे की एंट्री अंडर 14 में उसके वालदेन ने कराई तो उसको कहा कि आपके बच्चे की उम्र कम है, हम इसको अंडर 14 में नहीं खिलाएंगे, इसको अंडर 12 में खिलाएंगे। जब वो टूर्नामेंट जीतता है तो कहते हैं नहीं नहीं, हमें लग रहा है कि आपके बच्चे की उम्र 12 नहीं है, ज्यादा है, हम इसको अंडर 14 में भेजेंगे। ये मजाक है या क्या है? ये फेडरेशन इस तरह काम करती है? You're absolutely right. It is very sad. ये मजाक किया जा रहा है ना। और जब हमने फिर मुझे उन्होंने एक फोन करवाया, मैं उस पर आना चाहता था बाद में, लेकिन आपने अभी क्वेश्चन किया तो मैं अभी क्लियर करता हूँ। मुझे हनीफ कुरैशी ने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए फोन किया, वो कॉमन फ्रेंड थे शायद हुसैन साहब, अ वेरी वेल नोन प्लेयर इन पाकिस्तान कम्युनिटी। तो शायद साहब ने मुझसे कहा कि देखिए बच्चे की बात है, आप ऐसा करें, मेरे पास उसकी वॉइस नोट भी मौजूद है, अगर आप कहें मैं अभी भिजवा देता हूँ। मुझे कह रहे हैं मैं आपको वैसे भिजवा दूंगा ताकि कोई आपसे पूछे तो आपको सबूत आपके पास हो, द एविडेंस शुड स्पीक। तो वो मुझे वॉइस नोट में कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, एक मेल करें अनिल कुरैशी को, इस कहानी को खत्म करें, मेरी उससे बात हो गई है, उन्होंने कहा कि हम इसको अंडर 14 में भेज देते हैं, पहले तो आप टूर्नामेंट के रेगुलेशन में मुझे बता रहे हैं कि आप अंडर 14 में इस बच्चे को भेज ही नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं है, हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, तो हम इसको अंडर 14 में एज अ सपोर्टेड प्लेयर भेज देंगे, आप बस हमें एक दो लाइनों की मेल कर दे कि आप इसको अंडर 14 भेजने में आपको कोई एतराज नहीं है। इट वॉज अ ट्रैप। मैंने मेल कर दी, मैंने कहा हमें बच्चे के अंडर 14 में भेजने पे कोई एतराज नहीं है, आप भिजवा दें, ठीक है। अगले दिन जो मेल आई है वो मेल मैंने सारी आपके साथ शेयर की है। जैसे ही मेल गई है उनको अपने लिए एक लीगल, उनके ख्याल में ये एक लीगल एविडेंस होगा कि मुझे फोर्स करके कह रहे हैं कि आप हमें ऐसी मेल कर दें, और वो मैं तो वैसे उसके रिकॉर्ड पड़े हुए, वॉइस चैट पड़े हुए, सब कुछ पड़ा हुआ है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम लीगल फोरम पे भी देख लेंगे। तो फिर वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं, अंडर 14 में जाने के लिए भी आपको एक तो 7.5 लाख रुपए जमा कराने होंगे बगैर टिकट के, टिकट के साथ पता नहीं 9 लाख हो जाएंगे या 10 लाख, और आपको दोबारा मेडिकल टेस्ट करना होगा। व्हाट इज दिस? आपने मुझसे, फिर मैंने उसको मेल की कि इट वाज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसको हम इंग्लिश में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं। आपने मुझे कॉमन फ्रेंड के जरिए मैसेज भेजा कि आप मुझे ये मेल कर दो, हम बच्चे को भिजवा देंगे, कंट्रोवर्सी खत्म करना चाहते हैं। जैसे ही मैं मेल करता हूँ कि इसको अंडर 14 में भेज दे मुझे, क्योंकि मैं बच्चों पे पॉलिटिक्स थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने अगर पॉलिटिक्स करनी होती तो मैं तो हनीफ कुरैशी साहब का मुखालिफ हूँ, मैं उसके टूर्नामेंट में बच्चे को खेलने ही ना भेजता। हम वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, वी आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स थ्रू किड्स। तो उन्होंने
आपने मुझे कहा कि मेल कर दे, मैंने मेल कर दिया, अब आप उसको एज एविडेंस यूज करें, वो आगे आ रही है उसकी एविडेंस, मैंने आपको मेल में भेजे हुए, ठीक है। आई थिंक क्लेरिफाई हो गई, यहाँ तक क्लेरिफाई हो गई बात, आगे चले। अब मुझे बताएं कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट यू वर आस्क बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कि आप जाके एक टेस्ट करा लें लाहौर के अंदर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई? इसमें आप मेल खोलें, मेल नंबर टू, मेल नंबर टू, ओके आई एम ओपनिंग इट, ठीक है। या ये दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन मी फेडरेशन, ठीक। आपके पास टूर्नामेंट के रेगुलेशंस मौजूद है? मैंने वो नहीं थी, नहीं मेरे पास तो नहीं मौजूद, मैं आपको इस कन्वर्सेशन के बाद भिजवा दूं तो आप मैं चला दूंगा, ठीक है। उसमें मेंशन है 1.1 में कि अगर किसी प्लेयर पे कंप्लेन सेकंड राउंड के बाद आती है तो इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ये 1.1 की लास्ट लाइन है, ठीक है, ठीक है। इफ अ कंप्लेन वाज इज लॉन्च्ड आफ्टर द सेकंड राउंड इट विल नॉट बी एंटरटेन, अगर आपने करनी है तो ड्यूरिंग सेकंड राउंड, ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड और बिफोर दैट, ठीक है, ये उनकी रेगुलेशन है। अब ये मेल आप बोल ले, मेल नंबर टू तो नहीं है वो, तो कंप्लेन अगेंस्ट रिहान नासिर, इसका नाम क्या है? तो यही इसमें ऊपर मेरा है डियर काशिफ सलीम, इससे नीचे आ जाए जिसको मैंने रिप्लाई किया मेल को, हाँ काशिफ की बात सेकंड पेज पे, हाँ ये है सैटरडे 27 अप्रैल जब टूर्नामेंट का पहला दिन गुजर चुका है और रात 11:16 पे ये मेल मुझे आती है, ठीक है। मीन्स 3 राउंड्स टूर्नामेंट के हो चुके हैं, 4th राउंड की पेयरिंग निकल चुकी है और ये सारे एविडेंस टेस्ट रिजल्ट से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 राउंड के बाद मुझे रात 11:30 या 11:16 पे मेल कर रहे हैं और मुझे क्या बोल रहे हैं, चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हैज रिसीव्ड अ रिटन कंप्लेंट अगेंस्ट रिहान नासर फ्रॉम बलूचिस्तान वेयर कंसर्न रेज्ड ऑन हिज एज, ठीक है। इन दिस रिगार्ड उसकी एविडेंस ऑफ पार्टिसिपेशन किसी ऑनलाइन टूर्नामेंट का इन्होंने मेंशन किया है, ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में किसी ने गलत डेट भेजी है तो आप पिछले फेडरेशन से पूछे कि क्यों भेजी है, और मैंने वजह बता दी कि गलत डेट, उसमें भी उसकी गलती नहीं थी, उन्होंने गलती तो थी, उन्होंने गलत आईडी बनाई थी, उसी आईडी के हिसाब से उन्होंने भेजी हुई है ना, वो तो मैं मानता हूँ कि आईडी गलत बनी थी और पिछली फेडरेशन ने गलत बनाई थी और उसको मैंने करेक्ट करवाया फीडे से, ठीक है। आगे इट इज क्लियरली इन्फॉर्म यू दैट अंडर प्लेयर रूल्स एंड टूर्नामेंट रूल्स योर सन बाउंड टू गो थ्रू बायोलॉजिकल टेस्ट if you allow for the test then before tournament 4th round, kya 4th round se pehle hum iska test karayenge for him, otherwise he will be face consequences, aur iske liye mujhe kaha gaya ki aap hame 2 ghante mein reply kare, raat 11:30 aap mujhe mail karte aur mujhe kehte 2 ghante mein mujhe jawab de, to is it logical? No, it's not logical at all. aapko kya pata main har waqt mail pe baitha rehta hu? हाँ ऑब्वियसली, और आप रात के 12:00 कहाँ जाके अब टेस्ट कराते फिरेंगे, किस तरह हो सकता है वो तो टाइम है, और मुझे 2 घंटे में मुझसे जवाब मांगा जाता है, तो खुदा के बंदे ऑफिशियल टाइम पे तो मुझे मेल करें ना। तो इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है कि ही कैन प्ले रिमेनिंग राउंड इन 14 अंडर 14 कैटेगरी, ये तो दूसरा मजाक था, ये भी मजाक ही है, ये किधर की क्या बातें कह रहे हैं ये लोग, इन्होंने पहले कभी चेस नहीं खेली, लतीफे हैं। मैं इस लतीफों को डिस्कस में आपने कह दिया कि हम उसके पिछले 3 राउंड कैंसिल करके अंडर 14 में बाकी राउंड खिलाएंगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ जोक इज दिस, ये कोई कभी इन्होंने जिंदगी में चेस टूर्नामेंट नहीं ऑर्गेनाइज कराया, ये कैसी हरकतें कैसी बातें कह रहे हैं। तो यही तो रोना है सर, मेरा रोना यही है। अब मैंने इसका जवाब लिखा है, पर अगर आप जाएंगे तो मेल आ रही है, पर मेरी मेल जो मैंने रिप्लाई किया उसी रात को रिप्लाई किया है, 12:42 इतना कुछ लिखने में 1 घंटा तो लगेगा ना, हाँ 3 के अंदर, नहीं नहीं उसी 2 का ऊपर वाला पेज, ये उसका रिप्लाई, ओके 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 जी जी, क्या किया? तो पहला क्वेश्चन ये है कि टाइमिंग ऑफ कंप्लेन अकॉर्डिंग टू टूर्नामेंट रेगुलेशन पब्लिश्ड बाय फेडरेशन
द कंप्लेंट रिगार्डिंग द एज ऑफ अ प्लेयर विल बी एंटरटेन आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ द इवेंट। ठीक है, एंड यू आर इन्फॉर्मिंग मी एट 11:16 एट नाइट, और मुझे कह रहे टेस्ट करें, तो पहले आप कंप्लेन इसको एंटरटेन कर सकते हैं आपके अपनी टूर्नामेंट की खिलाफ वर्जी, रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं है ये। You're right. ठीक, दूसरी बात पे आते हैं। दुनिया में नजमी भाई आपने बड़े टूर्नामेंट खेले हैं, मैंने आपके साथ भी खेला है, टूर्नामेंट भी हमने खेले हैं, आपने कभी अभी देखिए एक टूर्नामेंट में मैं एक रूल रखता हूँ, हमारे पाकिस्तान में बड़े ऑर्बिटर और समझने वाले वो मेरी बात समझेंगे, मैंने रूल रखा कि मैं सेकंड राउंड के बाद कंप्लेन इंटरटेन नहीं करूंगा, फर्स्ट किया मैंने रूल रखा है ना। अब इस रूल की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी रिटर्न कंप्लेन आएगी उसमें डेट और टाइम के साथ राउंड नंबर भी लिखा होना चाहिए, क्योंकि मेरी टूर्नामेंट की रिक्वायरमेंट है ना। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो उन्होंने जो कंप्लेन लॉन्च की है ना, तो उस पे डेट लिखी है, ना तो उस पे टाइम लिखा है, और ना ही उस पे राउंड नंबर लिखा है। और कंप्लेन किसने लॉन्च की? उसकी वालदा ने। यानी उसका तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस लिहाज से भी है कि उसका बेचा उससे हारा है नंबर वन, तो वो कैसे कंप्लेन कर रहा है? उसको अगर कंप्लेन करनी थी तो बच्चा उसके साथ मैच ही ना खेलता। सेकंड, उस कंप्लेन पे डेट टाइम और राउंड नंबर क्यों नहीं लिखा हुआ? जी दीज आर माय क्वेश्चंस। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते। मेरी मेल प्रीवियस पार्टिसिपेशन का मैंने जिक्र किया कि 3 महीने पहले ये बच्चा अंडर 12 में पाकिस्तान की 2 बार नुमाइंदगी कर चुका है, तो अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आपने पहले एलिजिबिलिटी चेक नहीं की थी, आपको नहीं करनी चाहिए थी, दैट्स योर जॉब, ये तो आपके ऑफिस का काम है, मैं तो आके नहीं करूंगा ना। फिर आगे चलते, चेंज इन एज कैटेगरी के, मैं इसको अंडर 14 में कर रहा हूँ, बच्चे को इंटर कर रहा हूँ, आप अंडर 12 में खिला रहे हैं और बाद में मुझे कहते हैं कि इसकी एज हमें ज्यादा लगती है, व्हाट इज दिस। और एक और कमाल की बात बताऊं लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, जिसने कंप्लेन लॉन्च की है, जिस प्लेयर की वालदा ने कंप्लेन लॉन्च की है, मैं नाम नहीं लेता, वो खुद यूएई में जो रियान ने टूर्नामेंट खेला है उसमें रियान की गार्डियन बन के गई है। कैन यू बिलीव दैट? श्योर। इफ शी वॉज हैविंग एनी प्रॉब्लम तो उसको गार्डियन ही नहीं बनना चाहिए था। श्योर। तो ऐसे मजाक है, जब मेरी उससे बात हुई कि आपने कंप्लेन लॉन्च की है, आपको सच में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कैसे पता चला, आपके पास कोई एविडेंस है? पता है उन्होंने मुझे एविडेंस क्या बताया? क्या बताया? उन्होंने मुझे एविडेंस ये बताया कि रियान को मैंने, रियान का टूर्नामेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, मुझे राउंड नंबर याद नहीं है, मे बी 6-7, जो मैं उसको तैयारी करवा रहा था, मुझे इस खातून का फोन आता है कि मेरे बच्चे को प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्लीज रियान को मेरे कमरे में भेज दे, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। विल यू बिलीव, अजान हो रही है, मैंने रियान को कहा कि तुम उसके कमरे में जाओ, दफा करो तैयारी को, आई ट्रस्ट ऑन यू, तुम्हारे गेम पे मुझे भरोसा है, यू कैन प्ले इट। हालांकि मैं उसको ओपनिंग की प्रिपरेशन करवा रहा था पुनीत के खिलाफ ना, वो उसके कमरे में जाके उसके बच्चे को प्रैक्टिस करा रहा है, वो बातों बातों में उसे पूछती है, अच्छा रियान तुम्हारी एज क्या है? रियान ने पता नहीं क्या बताया होगा, इन्होंने इस चीज को एविडेंस बना के कंप्लेन कर दिया। इज इट नॉट अ जोक? है टोटली। क्या अल्लाह उनसे नहीं पूछेगा कि बच्चे को आप अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं तो आप वहां पे इन्वेस्टिगेट, और आप उसके गार्डियन है ना, उसका वालिद उनके साथ है, ना चचा साथ है, ना मदर साथ है, एक अकेले बच्चे को एक दूसरे मुल्क में आप अपने कमरे में बुला के पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, और वो बच्चे के जवाब की हैसियत क्या है, और आप उसमें मुझे कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं। मीन्स आई शुड नॉट हैव अलाउड हिम टू, मेरी वीडियो बंद तो नहीं होगी? नहीं नहीं, आपकी वीडियो चल रही है। ठीक है, तो खैर ये बात मैं मजीद नहीं बोलना चाहता, बिकॉज विल गेट पर्सनल। या श्योर। आप प्रोसीजर वायलेशन पे आ जाते हैं। जी। फोर्थ राउंड की पेयरिंग हो चुकी है रात 11:16 पे, दिस इज नॉट अ प्रोसीजर, और आप मुझे कह रहे सुबह 8 बजे राउंड है, उससे पहले टेस्ट कराएं। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी लेबोरेटरी होती है? यू राइट, यू राइट। मैं मौजूद हूँ, आपको पता।
ना फादर मौजूद है ना मदर मौजूद है, वो हमारे कोर चेस प्लेयर है, रियान के बड़े अच्छे दोस्त है, दे आर वेरी नाइस वेरी कोऑपरेटिव, उनके घर में रह रहा है इस टूर्नामेंट के लिए स्कूल छोड़ के। आप मुझे रात के 12 बजे कहते हैं कि आपने फौरन 2 घंटे के अंदर इसके टेस्ट करवाए नहीं तो हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। चलिए ठीक है, सारा कुछ होता है ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे की तरफ आते हैं। अब डे टू है टूर्नामेंट का, नेक्स्ट डे पे आते हैं। तो नेक्स्ट डे पे बायोमेडिकल उन्होंने मेल की है मुझे, थर्ड थ्री खोले आप? हाँ थ्री खोलगी ठीक है। इसमें इट इज इन्फॉर्म्ड यू दैट योर सन आर नेफ्यू बायोमेडिकल टेस्ट सबसे लास्ट में, क्योंकि मैंने सारी मेल्स उस थ्रेड में जितनी मेल होती है उसको एक साथ पीडीएफ में कन्वर्ट किया है ना। हाँ किधर लास्ट तो बायोलॉजिकल टेस्ट विल बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ फेडरेशन टुमारो एट 34 ठीक है। इससे पहले क्या बात होती है, ये तो डेट है अप्रैल 29 की। अप्रैल 29 में बच्चा टूर्नामेंट खेलता है, टूर्नामेंट जीत जाता है और उसके बाद हमारी फोन पे बात होती है और मुझे हनीफ कुरैशी साहब का एक मैसेज आता है ठीक है, ठीक कि है। आपने और काशिफ सलीम से फोन पे बात भी होती है, हनीफ का मैसेज भी मेरे पास मौजूद है, मैं भी आपको फॉरवर्ड करता हूँ। और काशिफ की मुझसे फोन भी हो कि आपने कल दोपहर तक इसका हर हाल में टेस्ट करवाना है, कल हमने कजाकिस्तान नाम भेजने, ये उनके अल्फाज है, हालांकि मुझे पता था कि नाम आप कल नहीं भेज रहे हो, नाम आप 9 अप्रैल को भेज मई को भेजेंगे ठीक है, जो लास्ट डेट है। हम इतने पढ़े लिखे तो है कि वो कजाकिस्तान की जात रेगुलेशन पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल आपने दोपहर तक हमें टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट भेजनी है, नहीं तो हम बच्चे दूसरे नंबर पे आने वाले बच्चे का नाम भेज देंगे ठीक है। ठीक है मैं क्या करता हूँ, वहां पे और कोई मौजूद नहीं था, बलूचिस्तान के एक प्लेयर थे अपने बच्चे के साथ गए थे शहजाद आलम, उससे मैंने रिक्वेस्ट की तो उसने कहा कि आप इसको ऑफिशियल बना दे तो मैं इसको इस्लामाबाद ले जाऊंगा, आप मेल करें मुझे और हनीफ कुरैशी को। मैंने दोनों को मेल भी कर दी कि बच्चे को मैं शहजाद आलम की कस्टडी में भिजवा रहा हूँ इस्लामाबाद, आप इसके टेस्ट करवाएं। मैं इस्लामाबाद में भी नहीं हूँ ना उसका फादर इस्लामाबाद, आप क्वेटा में। ठीक है बच्चा उसी रात को 29th को इस्लामाबाद पहुंचता है। हमें धमकी क्या दी गई है जो हनीफ कुरैशी के रिटर्न मैसेज में मौजूद है, अगर आप चाहे तो मैं भी रिटर्न मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दूं। देख लेंगे, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं होती, मैं आपको बात कर दूंगा ठीक है। तो वो व्हाट्सएप मैसेज है, तो मैं बच्चे को भिजवाता हूँ रात को और हमारी फोन पे ये बात हो जाती है कि मुसव्विर और शुजात अली इन दोनों ये दोनों टेस्ट करवा देंगे इसका ठीक है। ठीक है बच्चा इस्लामाबाद पहुंचता है, मुसविन को रिसीव करता है, अगले दिन रात 3:30 आपको लेंगे, जो अभी मैं मेल पढ़ रहा था इस मेल की टाइमिंग देखे 29 अप्रैल को ये हुई है रात 8:21 पे ठीक है। आप मुझे धमकी क्या दे रहे हैं कि आफ्टरनून तक अगर आप टेस्ट नहीं करवाते तो आप बच्चे को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, दूसरे बच्चे का नाम भेज देंगे, और मेल किस टाइम कर रहे हैं रात 8:21 पे ठीक है। इज इट अगेन नॉट अ जोक, आपको पूरा दिन एक दो लाइनों की मेल लिखने का टाइम नहीं मिला कि शुजात और मुसव्विर हम आपको ये जिम्मेदारी देते हैं आप इस बच्चे के टेस्ट करवाए। तो टेस्ट के लिए वो इस्लामाबाद गए रिहान? बिल्कुल गया। अब ये रात जो 8:21 पे लिख रहा है कि मिस्टर शुजात अली प्रेसिडेंट इस्लामाबाद एसोसिएशन इन चार्ज ऑफ दिस टेस्ट एंड ही विल सबमिट द रिपोर्ट टू फेडरेशन सेक्रेटरी फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू प्रेसिडेंट फॉर फर्दर ऑर्डर्स। अगला लाइन पढ़े, फर्दर मोर दैट मिस्टर मुसव्विर काकर आल्सो इंश्योर दैट ड्यूरिंग द टेस्ट ही प्रेजेंट देयर रिगार्ड्स ठीक है। ये काशिफ सलीम की मेल है, यानी उसने दो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, मुसव्विर और शुजात को। अब अगर आप इस मेल के ऊपर देखेंगे इसने सीसी में किसको रखा है, मुसव्विर को, शुजात को, हनीफ कुरैशी को और मुझे ठीक है। असल प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी, मुसव्विर अगले दिन शुजात से मैं फोन मुसव्विर फोन करता है 8:00
7:08 पे, 7:48 पे कि हम बच्चे का टेस्ट करवाना है, आप आए बच्चे का टेस्ट करा, हम दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने कहा मुझे ऑफिशियल मेल नहीं आई है, मैं कैसे करवा सकता, और उसकी बात सही है, ऑफिशियली तो मुझे नहीं बताया गया ना, जब मेल आएगी तो मैं आऊंगा। अब शुजात की बात तो 100% जेन्युइन है, ठीक है। मुझे कह रहे कि दोपहर तक टेस्ट करवाना है, आफ्टरनून तक, और हमें रिपोर्ट भेजनी है, और मेल आप कर रहे हो 8:30 रात को, ठीक है। अब अगर मेरी जगह आपका बच्चा होता तो क्या, अगर आपको मैं ये धमकी देता कि कल आफ्टरनून तक आपने टेस्ट करवाना ही नहीं है तो हम बच्चे को डिस्क्वालीफाई, विल यू वेट फॉर द मेल और गो फॉर द टेस्ट? आई विल गो फॉर द टेस्ट। तो यही हुआ, मुसव्विर शुजात अवेलेबल नहीं था, वो नहीं आ रहा, तो उसने कहा मुझे ऑफिशियली नहीं कहा गया, तो मैंने मुसव्विर से रिक्वेस्ट की कि आपको तो उन्होंने फोन पे भी कहा है कि आपने रिसीव, आप प्लीज मेरी खातिर, हमारी दोस्ती की खातिर इसका टेस्ट करा लो, ऑफिशियल मेल को मारो गोली, वो जब जिनको टाइम मिलेगा वो कर लेंगे। नहीं तो फिर शुजात साहब ये क्यों कह रहे थे कि उनको ऑफिशियली नहीं कहा गया और वो क्यों नहीं अवेलेबल थे जबकि उनको? क्योंकि मेल नहीं किया। अच्छा मेल बाद में आई है, और पहले वर्बल उन्होंने बोला मेल बाद में की है? मेल बाद में की है। ओके ओके, ये मेल की टाइमिंग लिखी है आपके सामने, ठीक है। आप इसके जवाब में मैं रिप्लाई में क्या लिखता हूँ, रिप्लाई में शुजात, इस मेल का रिप्लाई मेरे ख्याल में शुजात का है, मैंने इसकी रिप्लाई में लिखा है कि मिस्टर कि हमने बच्चे के टेस्ट आज करवा दिए, और ये मैं रिप्लाई कर रहा हूँ 11:42 पे, सब कुछ हो गया तब हमने, हमें डॉक्टर ने कहा कि 10 रिपोर्ट मिलेगी, उससे पहले फिर शुजात को 2 फोन करता है मुसव्विर, 1 फोन करता हूं मैं, टाइमिंग मौजूद है, कॉल लॉग मौजूद है कि प्लीज आप टेस्ट की रिपोर्ट कलेक्ट करने में तो साथ चले, आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी ना। शुजात भाई वहां नहीं आए, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, मैंने उनको रिपोर्ट भिजवा दी 11:42 पे कि टेस्ट हो गए, रिपोर्ट आ गई है, और वो रिपोर्ट की आप स्क्रीन पे कॉपी भी लगा सकते हैं, मैंने आपको भेजी हुई लास्ट वाली है, ठीक है। उस रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एज वही है जो अंडर 12 में भी खेल सकता है, अंडर 14 में भी खेल सकता है, ठीक है। 13 आई है, लेकिन बोन एज इतनी स्पेसिफिक नहीं होती है, और ये एक्सरे भी मेरे पास मौजूद है, रिपोर्ट भी मौजूद है, और डॉक्टर कौन है? पिम्स हॉस्पिटल का एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। मैंने तो नहीं बन, मैं तो हूं ही नहीं इस्लामाबाद में ना, महमूद है। आपकी नॉमिनेट की हुई टीम में से एक मेंबर ने टेस्ट करवा के रिपोर्ट बना के आपको भेज दी है, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, उसके बाद क्या कहती है फेडरेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? 13 आई है, तो मैंने कहा अगर 13 है तो आप मुझे मेल कर दे कि द बॉय इज डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाई कर दे। अब जितनी एज आई है, लेकिन आप किसी डॉक्टर से एक बार मशवरा जरूर कीजिएगा कि ये एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो कोई टेस्ट दुनिया में आज तक नहीं बता सकता, ये एग्जैक्ट डेट नहीं होती, इसमें प्लस माइनस 1 or 2 इयर्स होते हैं, 2 ये कम भी हो सकती है, 2 ज्यादा भी हो सकती है, 1 कम भी हो सकती है, 1 ज्यादा भी हो सकती है। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा क्वालिफाई नहीं करा तो डिसक्वालीफाई कर दे, व्हाट इज द डील? जो एज आनी थी वो तो आ गई है ना, इसमें मेरा जोर है ना आपका जोर है, वो तो डॉक्टर ने अपने एक्सरे देख के बताइए ना। और अगर आपको तो इन्होंने मुझे जवाब में क्या मेल की है, ये बहुत ऊपर जाएंगे, काशिफ सलीम, ये मोहम्मद अयूब की है, ये भी मोहम्मद अयूब की है, आई थिंक द फर्स्ट वन, इन्होंने मुझे एक सेकेंड, आप मेरे साथ ही है ना? जी जी, ठीक है। ये ट्यूसडे 30 अप्रैल 2024 की बात तो नहीं कह रहे डियर मिस्टर सलीम? नहीं मेरी नहीं, उसने मेल की है मुझे, डियर डॉक्टर अयूब, पता नहीं वो मेरे ख्याल में अगले में होगी, तो उन्होंने मुझे मेल की है कि नहीं
आपने कल इसके फिर टेस्ट करवाने हैं, ठीक है, ठीक है, 30 अप्रैल को। अब आपको ये सेंटेंस, ये जो लास्ट मेल है, बिल्कुल लास्ट वाली है, नहीं ये वाली नहीं, ऊपर होगी कोई, तो उन्होंने कहा कि आपने कल इसका दोबारा टेस्ट करवाना है। आप मुझे बताएं कि आप अपने बच्चे के हर दिन एक्सरे करवाएंगे? नहीं नहीं, एक्सरे तो कहते हैं आपको हफ्ते में, साल में 2 बार कराने चाहिए, साल में 3 बार मैक्सिमम, 2 बार कर, यहाँ पे मुझे 2 दिनों में 2 बार करने को कहा जा रहा है। इज इट माई मिसमैनेजमेंट कि मैं रात को 8:30 बजे मेल कर रहा हूँ, शुजात को इन्फॉर्म नहीं कर रहा? ये मेरी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है या आपकी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है? ये तो द प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड ना। आप बंदे को वक्त पे इन्फॉर्म नहीं कर रहे, वक्त पे मेल नहीं कर रहे, फोन नहीं कर सकते, फोन पे आप ऑथराइजेशन दे दे शुजात को कि जाए शुजात टेस्ट करवाओ। नहीं, मेरे ख्याल से तो सीएफपी को अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पे शक है तो वो एक अलग मैटर है, दे कैन गो टू कोर्ट और वहाँ से प्रूफ करें, डिसप्रूव करें डॉक्यूमेंट को, जो भी करना है करें, जाके उस प्रोफेसर से पूछें कि आपने क्या गलत डॉक्यूमेंट बनाया है। और हमारे 15,000 रुपये हमें वापस दिलवाएं, हमने 15,000 रुपये में टेस्ट करवाया, हमें एक ना हमने उनसे मांगा है ना उन्होंने दिया है, हमने अपनी, अगर वो गलत है तो मैंने कहा एक मेल तो कर दो कि आप इस रिपोर्ट को किस वजह से नहीं मानते, मैं जाके इस डॉक्टर पे केस कर दूं, अपनी फीस तो वापस ले लूं। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मुझे मेरी फीस तो मिल जाए, और मैं अपने बच्चे का दूसरे दिन मुझे आप कह रहे हैं कि दोबारा एक्सरे करवाए। मैं शायद कसम से बच्चे की कैरियर के लिए शायद ये भी कर लेता, लेकिन यहाँ पे शुजात की मेल अगर आप पढ़ेंगे शायद इसी थ्रेट में होगी। शुजात की एक मेल है जिसको पढ़ के मैं बड़ा डर गया। किधर है? इधर ही होगी, पता नहीं ये मेल क्यों होगी, शुजात की मेल होगी इसमें या 4 में शायद हो। मैं खोल के देखता हूँ, 4 मैं 4 देखता हूँ। हाँ, आप मुझे इधर अगर प्रेजेंट कर सकते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा। मैं फिर बात को, मैं मुझे जुबानी याद है उस मेल में जो बात है वो मैं आपको मेल दोबारा भिजवाता हूँ। चले, मैं आपसे जब एडिट कर रहा हूँ मेल की है, ठीक है, जिसमें वो मुझे वो कह रहे हैं हनीफ कुरैशी को और काशिफ को मुखातिब करके कि जिस तरह हनीफ कुरैशी से मेरी फोन पे बात हुई है, ये मेल में लिखा हुआ है, मैं एविडेंस दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है, जिस तरह मुझे फोन पे किया गया, कहा गया कि कल आपने 11:30 बजे शिफा हॉस्पिटल में फलाना डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, तो आई विल गो विद इट। तो मैंने कहा व्हाट इज दिस, हाउ कैन ही पिन पॉइंट एंड व्हाई द प्रेसिडेंट कॉल्ड टेस्ट कंडक्टिंग टीम, प्रेसिडेंट का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करे, चीफ ऑर्बिटर करे या काशिफ सलीम जनरल सेक्रेटरी करे, प्रेसिडेंट, व्हाई द प्रेसिडेंट इज कॉलिंग अ पर्सन हु इज नॉमिनेटेड बाय देम एंड ऑर्डरिंग हिम टू गो टू अ स्पेसिफिक प्लेस, व्हाई? दैट इज वेरी सस्पिशियस, स्पेशली कंसीडरिंग जो कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल इशू क्रिएट हो रहे हैं, एक न्यूट्रल बंदा होना चाहिए। आप एक, हमने मिलकर डिसाइड किया कि मुसव्विर है, शुजात पे मुझे बहुत भरोसा है, उसने ये मेल करके बड़ी मुझ पे मेहरबानी की है कि एक तरह से उसने मुझे इन्फॉर्म भी कर दिया कि मुझे तो ऑफिशियली ये ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है,